अरे दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज के न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में एलटी शिक्षकों के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले होंगे, तो अंतरमंडलीय तबादले कर दिए हैं। और इसमें यहाँ पर पूरे यहाँ पर सेवा काल में एक बार जो है लाभ ले सकेंगे एलटी शिक्षक। तो 1 साल एक सेवा काल में जो है एक ही बार मिलेगा। और अंतरमंडलीय तबादले की स्थिति में जो है वरिष्ठता में रहना पड़ेगा वंचित। तो यहाँ वरिष्ठता में वंचित भी रहना पड़ेगा। और स्कूली बच्चों के लिए यहाँ पर बनेंगे चलती फिरती जो है प्रयोगशाला। तो स्कूली बच्चों के लिए चलती फिरती जो लैब है वो बनने वाले हैं। और इसमें यहाँ पर जो है कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें एलटी शिक्षकों के इस वर्ग में जो अंतर्मंडलीय है वो तबादले कर दिए गए हैं। साथ ही संगीत जो है प्रभाकर कोर्स जो है 6 वर्ष का कर दिया गया, तो ये भी चेंजेस कर दिया गया है। और यात्रा अवकाश पर जो है न्याय की राय लेंगे। तो शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी शिक्षक है उनकी जो यात्रा अवकाश है उसको लेकर जो है न्याय विभाग से लेने की बात करेगी है। साथ ही यहाँ पर कला विषय में अध्यापक बनने के लिए अनिवार्य रूप से बीएड करना, ये भी कैबिनेट में फैसला आ चुका है। और जल्द ही यहाँ पर जो है कला विषय में 262 पद आपको भर्ती देने को मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पर जो है वीपीडीओ की ट्रेनिंग का जो वेतन है अब मिलेगा। 2 महीने का जो ट्रेनिंग का वेतन है वो अब मिलने वाला है। उत्तराखंड के बजट को जो है कैबिनेट की हरी झंडी। तो यहाँ पर देखते हैं हरी झंडी मिल चुकी है 77,000 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर बजट पिछले साल के था पेश। और अब नया सत्र में नया बजट पेश होने वाला है। और राज्यपाल के बजट अभिभाषण को जो है अनुमोदन मिल चुका है। और इसमें देख सकते हैं कि एलटी संवर्ग के जो यहाँ पर मंडल परिवर्तन करने की सुविधा अब मिल जाएगी। और मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 90,000 करोड़ के बजट की स्वीकृति की। तो 90,000 करोड़ जो है इस साल देखने को मिलेगा, पिछली बार 70,000 करीबन था। और भूजल जो व्यवसायिक उपयोग है उसको अब लग सकता है यहाँ पर टैक्स बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है अब छात्रों के पास पहुँच कर जो है चलकर जो है पहुँचेगी लैब। तो यहाँ पर देख सकते छात्र छात्राओं को अब यहाँ पर लैब खुद जो है चलकर पहुँचेगी। कैबिनेट ने जो है उत्तराखंड विज्ञान और यहाँ प्रौद्योगिकी परिषद की यू कॉस्ट की जो लैब ऑन व्हीकल योजना है उसको मंजूर कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि खास तौर से 8वीं और या 10वीं के बच्चों को जो है किताबें पढ़ते हैं उनका जो है वैज्ञानिक प्रयोग का जो है व्यवस्था कम है बताया गया है। मेडिकल कॉलेज में जो है 14 घंटे खुलेंगे पुस्तकालय। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनसिंह रावत ने बुधवार को राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित जो पीजी आवास छात्रावास है उस पर लोकार्पण किया है। और पूर्व में जो यहाँ पर चिकित्सा अध्यक्ष के आवास वाली जगह पर जो है छात्रावास बनाया गया है। इसमें 48 कमरे हैं। और भवन निर्माण में जो है ग्रीन बिल्डिंग जो कॉन्सेप्ट का पूरा ख्याल रखा गया है। और अब यहाँ पर 14 घंटे पुस्तकालय खुले रहने की बात करी गई है। शैक्षिक संस्थानों को जो है राजनीति मंच में नहीं बदला जा सकता कोर्ट। तो यहाँ पर कहा है कि राष्ट्रीय व यहाँ पर अन्य मुद्दों को लेकर जो है विश्वविद्यालय में आए दिन बढ़ने वाले राजनीतिक सरगर्मी के कारण जो है परिसर के अंदर माहौल बिगड़ने को लेकर जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर जो है अहम टिप्पणी की है। और शिक्षक बनने के लिए अब आपको यहाँ पर जो है IIT IIP ये करना होगा। और अब आपका यहाँ पर जो है बीएड कर रहे जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर खास तौर से बताया गया है कि अब आपको जो है 2 साल का जो बीएड है वो नहीं वैलिड होगा, बल्कि यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेटेड टीचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें पढ़ने वाले जो बीएड कोर्स हैं वो आपके वैलिड कर दिए जाएंगे। यानी कि 4 साल का होता है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स और यहाँ पर जो 2 साल का वो पूरा बैन कर दिया गया है। और वही बात करें यहाँ पर 69 छात्र छात्राओं को मिलेगा स्वर्ण। तो यहाँ पर सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की फोर्थ जो दीक्षांत समारोह है उसमें 19,849 छात्र छात्राओं को यहाँ पर उपाधि मिलने वाली है। और इसके लिए बताया गया है कि शीर्ष 3 विश्वविद्यालय को मिलेगा अतिरिक्त अनुदान। तो डॉक्टर धनसिंह रावत ने कहा है कि दीक्षांत समारोह में जो शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने कहा कि यहाँ पर जो है जो अतिरिक्त अनुदान है वो मिलने वाला है। और महिलाओं ही उत्तराखंड की जो है अर्थव्यवस्था में लाएंगी क्रांति, राज्यपाल ने ये भी कहा है। विदेश के जो है 14 शहरों में जो है NEET UG की परीक्षा आयोजित होगी। तो यहाँ पर देखते हैं विदेश के जो 14 शहर होंगे वहाँ पर जो है NEET UG की परीक्षा करने की बात करेगी है। और NEET MDS परीक्षा पर जो है विचार कर रही है केंद्र सरकार। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा मास्टर ऑफ जो है डेंटल सर्जन जो NEET MDS है इसकी परीक्षा को लेकर जल्द फैसला लेने के निर्देश भी कर दिए गए हैं। और 5 मई तक जो है आयोजित होने हैं मेडिकल प्रवेश परीक्षा और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च। तो मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आप जो है 9 तारीख तक जो मार्च में अप्लाई कर सकते हैं। 51 लेखा परीक्षकों को यहाँ पर जो है CM ने दी नियुक्ति। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित जो है यहाँ पर लेखा
परीक्षक थे उनको यहाँ पर जो है 51 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिल चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और वहीं यहाँ पर 10 को मिलेगा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, तो 10 को मिलने वाला है उत्तराखंड भाषा संस्था की ओर से सर्वे चौक स्थित जो यहाँ पर IRDT सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम, और इसमें यहाँ पर 10 तारीख को अब मिलने वाले हैं। और सीएम ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन योजना की धनराशि जारी करी, तो सीएम ने धनराशि भी जारी करी है और मेधावी छात्र छात्राओं कोई माताओं का जो है सम्मान करने वाले हैं। और वहीं यहाँ पर बात करें, यहाँ पर रेंजर के फर्जी हस्ताक्षर से कर दी IFS की शिकायत, तो यहाँ पर देखते हैं IFS की शिकायत जो है कर दी है, जो कि यहाँ पर फर्जी हस्ताक्षर जो रेंजर के थे उसके साइन किए गए थे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसमें यहाँ पर जो रेंज संघ के लेटर पैड का भी यहाँ पर किया गया दुरुपयोग, तो जो रेंजर संघ का लेटर पैड होता है उसका भी दुरुपयोग किया गया है, ऐसा कहा गया है। विदेश के 14 शहरों में जो है NEET UG परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसके लिए यहाँ पर जो है पूरी तैयारी कर दी गई है, 7 में 5 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं नीट के लिए। और वहीं बात करें, यहाँ पर पहले नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर शुरू होगा प्रशिक्षण, तो यहाँ पर जो है चयनित जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनको राहत मिली है, ग्राम विकास अधिकारी के BDO के पद पर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको सेवा काल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके तहत जो है चयन होने वाले ग्राम विकास विभाग की ओर से यहाँ जो है पहले नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इसके बाद जो प्रशिक्षण शुरू होगा और इस दौरान जो है अधिकारियों को पूरा वेतन दिया जाएगा, तो पूरा पूरा वेतन मिलने वाला है। सरकार ने चयनित ग्राम विकास अधिकारियों को जो है राहत दी है और ग्राम विकास विभाग में खाली पद पर जो है BDO की जो चयनित अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर अभी तक जो है पूर्ण सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को विभाग में नियुक्ति देने से पहले यहाँ पर 6 महीने का प्रशिक्षण प्रदान करना होता है, लेकिन अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद प्रशिक्षण शुरू होगा, साथ में सैलरी भी इस बार मिलने वाले हैं। उत्तराखंड में अंतरमंडलीय राज्य तबादले होने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर हरी झंडी मिल चुकी है। साथ ही यहाँ पर देखते हैं कि जिला क्रीड़ा अधिकारी यहाँ पर अल्मोड़ा में निकाले गए हैं स्पोर्ट्स की पोस्ट, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रशिक्षक की पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 5 मार्च को इसमें यहाँ पर अभिलेखता उन्होंने 3 मार्च तक जो है आपका यहाँ पर अंतिम जमा करने की फॉर्म। साथ ही यहाँ पर पौड़ी में भी निकाले गए हैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट खेल प्रशिक्षक का, इसके लिए भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं, और 29 तारीख तक का यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करने का समय इसमें भी बताया गया है। साथ ही यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा में पोस्ट, इसके लिए यहाँ पर जो है बताया गया कि आयुष विभाग की ओर से निकाले गए हैं एक विशेषज्ञ की पद है, इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया, 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद महिला सशक्तिकरण उद्देश्य से रिवर राफ्टिंग संचालन के संबंध में आवश्यक सूचना जारी करी है, इसमें आप यहाँ पर जो भी है फॉर्म डाल सकते हैं, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मुख्यालय बंगाल इंजीनियर ग्रुप ऑफ केंद्र रोड की यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं अलग अलग तरह की, इसमें यहाँ पर 28 से 27 मार्च तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर जो है उत्तराखंड में LT शिक्षकों की भर्ती होनी है, अब यहाँ पर 1592 पदों के लिए जल्दी ही यहाँ पर भर्ती होंगी, जिसमें यहाँ पर कला विषय की मंजूरी यहाँ पर दे दी है 300 पदों की, और इसमें यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम चला हुआ था वो सॉल्व कर दिया गया है, और जल्द ही यहाँ पर जो है आपको LT शिक्षकों के यहाँ पर 1592 पद देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर, झारखंड लोक सेवा आयोग में 342 पोस्ट निकाले गए हैं, 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। BHU में 141 पोस्ट निकाले गए हैं, 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 पोस्ट निकाले गए, 4 मार्च तक इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया है विज्ञापन 150 पदों के लिए, जिसमें भारतीय वन सेवा के अंतर्गत है, और 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और रिट्स में निकाले गए 68 पद और RMRPL में निकाले गए 11 पद, अन्य पोस्ट इस तरह देख सकते हैं, इन पर भी आप ट्राई कर सकते हैं।